गोलियां में जंग नहीं लगना चाहिए, चर्बी लगा देता था, गाय और सुअर की चर्बी। गोली निकालने के लिए भरना है तो कवरवा मजबूरी में आपको दांतों से फाड़ना पड़ेगा। पता चल गया कि ससुराल जो हम लोग फाड़ रहे हैं ना, इसमें जो आप समझो ध्यान से, ये गोली होती है ना गोली, ये गोली तो इसको ढकना जरूरी, इस पे जंग नहीं लगना चाहिए। अब बंदूक लेके इंसान कभी रेगिस्तान में जाता है, कभी बारिश में जाता है, कभी बर्फ में जाता है, कहीं कहीं जाते रहता है, तो वो गोलियां में जंग नहीं लगना चाहिए, गोली में जंग नहीं लगना चाहिए। तो आज ऐसा ऐसा चीज आ गया, जैसे स्टेनलेस स्टील उसमें गोली में जंग नहीं लगता, तो आज केमिकल आ गए हैं। उस समय इस पे चर्बी लगा देता था, क्या लगा देता था, चर्बी। और एनफील्ड राइफल में जो चर्बी लगाया गया था, अब चर्बी बकरी में कम होता है, बकरी में चर्बी कम होता है, गाय का शरीर बड़ा है तो गाय से चर्बी निकाल लेता है, लेकिन गाय की जो चर्बी होती है वो ज्यादा होती है, लेकिन उसकी चर्बी मजबूत नहीं होती है, इसलिए गाय को ठंड ज्यादा लगता है, ठंडा उंडा उसको लगता है, मरी हो जाती है ठंडा में, क्योंकि उसमें चर्बी ज्यादा होता है, लेकिन चर्बी की परत मोटी नहीं होती, तो उसमें से चर्बियां ज्यादा निकाल लिया। लेकिन मजबूत चर्बी सुअर की होती है, सुअर को 10 लाठी मारेंगे ना तो ऊपर रह जाएगा गदाक गदाक, समझ आ गया कि नहीं, भाग जाएगी वहां पे, समझ आ गया, जल्दी उस सबको कुछ होता नहीं है यहाँ पे। अच्छा ऐसे भी बायोलॉजी में पढ़ोगे, चर्बी चोट को रोक लेता है, फैट जो है चोट को रोक, फैट अगर जितना ज्यादा रहेगा चोट उतना कम लगेगा, जैसे हम लोग के गाल वाल पे उतना फैट नहीं होता है, सॉफ्ट टिश्यू जो होता है मारेगा तवाक से चोट लगेगा गाल पे, और सबसे ज्यादा फैट कहाँ होता है, पेट पे। अब यहां मारते रहिएगा उतना चोट नहीं लगता है, क्या है सारा चोट कौन रोक लेगा, किडनी पे चोट जाएगा जी, यहाँ कोई ऐसे मारते रह जाए सारा चोट कहाँ चल जाएगा, पेट पे चल जाएगा, वसा पे, फैट पे, किडनी पे लग जाएगा। अगर कोई दुबर पातर आदमी को इतना मार दीजिए दहल जाएगा अभी होगा किडनी, यहाँ फैट क्या करता है, रोक लेता है, समझ गया, लड़की सब में जो है अगरबत्ती टाइप की है इतना में तो किडनी है इसका बाहर फेंका दे तो अंग्रेजों ने क्या किया, ज्यादा के लिए किसका चर्बी निकाला, गाय का, लॉन्ग टाइम ड्यूरेबल रहे इसलिए किसका निकाला है, सुअर, और उसको गर्म करके पिघलाया तो चर्बी क्या हो जाता है, तेल की तरह हो जाएगा, तो गाय का पिघलाया और उसमें सुअर का, सुअर का इसलिए किया ताकि वो लॉन्ग लॉन्ग लास्टिक हो सके, और गाय का सुअर में ज्यादा चर्बी निकलेगा लेकिन गाय में ज्यादा, और उसको मिला के गोली का जो कवर बनाया उसी में उसको कवर में रखना था। अब बंदूक चलाते समय आपका दोनों हाथ बिजी नहीं, एक हाथ एक ही हाथ खाली रह सकता है, एक से पकड़ेंगे यहाँ पे तो गोली चलाए, और गोली निकालने के लिए भरना है तो कवरवा मजबूरी में आपको दांतों से फाड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक हाथ तो बिजी है, ऐसे बंदूक को टांग लीजिए, अगर रुको गोली निकालते हैं, बंदूक लगा ऐसे थोड़े गोली चला रहे हैं, गोली खत्म हुआ निकाल के फाड़ के भरिए धड़ा दो। पता चल गया कि ससुराल जो हम लोग फाड़ रहे हैं ना, इसमें जो गाय और सुअर की चर्बी है, अब मजबूरी है दतवे से फाड़ना है, फाड़ेंगे कौन चीज से। अब देखो गाय को हिंदू धर्म के लोग माता मानते हैं, वो इसलिए उसे जीभ से नहीं टच करेंगे, भैया जिसका हम पूजा करते हैं उसका मांस कैसे जीभ से लगाए, और मुसलमान धर्म में सबसे गंदा सुअर को माना गया, समझ गया, इस्लाम धर्म में मतलब मुसलमानों में एक अफवाह फैला दिया सब छोटे बच्चों में कि सुअर बोल दोगे तो 40 दिन तक मुंह अशुद्ध रहेगा, नापाक रहेगा, मतलब सोचो बोलने पे क्या हो जाता है, नापाक रह जाएगा, लेकिन ये अफवाह फैला दिया, और कहता है कि सुअर मत बोलो बतखोम बोलो, तो भैया उर्दू में बोलेंगे तो मुंह नापाक नहीं होगा, अंग्रेजी में पीक बोलेंगे तो नापाक नहीं होगा, हिंदी बोल देंगे सुअर तो नापाक हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है कि ऊपर वाले कोई को भाषा से दिक्कत है, लेकिन अफवाह उड़ा देता है। कहने का मतलब समझो कि इस्लाम धर्म में सुअर को कितना मतलब अपवित्र देखा गया, एकदम नमाज पढ़ने जाएगा टकरा जाएगा तो कोई नमाज पढ़ने नहीं जाता है, फिर घरे जाएगा नहाएगा आएगा बड़ी झमेला हो जाता है उसको, तो मुसलमान कह रहा है कि हमारा तो धर्म नाश हो जाएगा, अंग्रेज कह रहा व्हाट्स प्रॉब्लम आई ईट बोथ दिस एनिमल तो अंग्रेजवा कह रहा तुम लोग को दिक्कत क्या है, मैं तो इन दोनों को खा जाता हूं, अंग्रेजवा दोनों खाता है, अंग्रेजों का फेवरेट भोजन है सुअर, ऐसा कोई रेस्टोरेंट जहां अंग्रेज खाते होंगे वहां सुअर का मांस ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ अरे बाबू होता है, पोर्क लिखता है उसको मीट को, यहाँ पे बड़का होटल में जाके देखो, ताज होटल में हम लोग खाना खाने गए, शुरुआत में उन्हें से भेटा गया, खाने का दिमाग झनक गया ससुरत में, जाके आदमी बड़ा पाव खाया ठेला पे, अरे तुम ही सोचो ना, तुम खाना खाने जाओगे पहले तुम्हें चमगादड़ का सूप मिल जाए या सुअर का मीट मिल जाए, खा पाओगे। देखो इंसान जिसको खाया रहता है उसी से वो फैमिलियर रहता है, शाकाहारी को जबरदस्ती अंडा खिला दोगे तो उल्टी कर देगा वो, जबकि अंडा में ऐसा क्या है, जो खाया है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं खाया ना उसको बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता है यहाँ पे, तो अब भीषण बवाल हुआ, कहा कि अब काट दे तुम, अब क्या करेंगे काट देंगे। इसी में बलिया के मंगल पांडे कहा कि रे भाई हम पंडित जी रे भाई,
हमरा से कौन नाश करा दिया तुम? पंडित जी थे मंगल पांडे, कहा कि बात इसका नहीं है, तुम समझा नहीं समझता, हम पंडित जी हैं, हमरे से तुम पाप कराया, हमारा काम है रक्षा करना, हम ही से कांड करा, अब हम ना छोड़ते। तो उन्होंने बंदूक को लोड किया, कहा कि अब चर्बी लगिए गया है तो बदनाम तो बदनामे से ही, लोड किए बंदूक, अपने दोनों कमांडर को मारा धाए धाए उधी आ गए, मार दिया है मंगल पांडे, समझ आ गया कि नहीं आ गया? बलिया वाला आज भी बागी बलिया बोला जाता है। सबसे ज्यादा बगावत किसने किया? बल। देश आजाद हुआ 1947 में और उसे 42 में आजाद घोषित कर दिया अपने, कब घोषित कर लिया था? मजालपुर अंग्रेज सब घर पे एक राइफल लेके बैठा था, औरत औरत सब, नहीं समझ में आ गया? औरत औरत सब, अंग्रेज सब जाए सब कैसे दूर से भवक जाता था एलईडी बल्ब की तरह, मार हो धाए धाए। बलिया में कम अंग्रेज घुसे सब नहीं, हर महिला ऊपर में ना मिर्चा पीस के, मिर्चा का पाउडर पीस के, और घर घर में बैठल थी सब वहां पे, एक एक आदमी राइफल लेके, क्योंकि अंग्रेज सबके पास संख्या ज्यादा थी ना, एगो गली में घुस गया सब ज्यादा संख्या की वजह से, क्योंकि उस समय की बंदूकें ऑटोमेटिक थी नहीं वहां पे, आगे भारतीय सैनिकों को रखा, पीछे से घुस गया, मार बोरे बोर पीसल मिर्चा फेंक दी से ऊपर से, भाग गया सब अंग्रेज, और कुछ कुछ घेरा गया था, भागने के ही गली में भाग गया सब, गली में ओके बात तो बलिया वाला सब उनको बाजा बजा दिया सब, अंग्रेजों ने कहा यहां मत जाओ, ये सब ठीक आदमी ही नहीं है, ठीक किया सब वहां पे।